Well friends, today study thermionic emission. And thermionic emission is given by the scientist Richardson. Thermionic means emission is to be take place due to the temperature. And emission kiska? Electron ka. Kis conditions ke upar, kis temperature ke upar electron can emit out from the metal. इसको स्टडी करने वाला साइंटिस्ट कौन था? दैट इज द रिचर्डसन. एंड रिचर्डसन ने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की एवरी अजम्पशन को बड़ी कंसंट्रेट समझा और सोचा, और इसके बाद कंक्लूजन जो निकाला वो क्या निकाला. फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को देने वाला जो साइंटिस्ट था दैट इज द ड्रूड्स. और ड्रूड्स की फर्स्ट अजम्पशन क्या थी? Each metal contain a very large number of a free electron, and these free electron move throughout the wall of the volume of the metal. Means metal के अंदर जो atom है उसके outermost cell का जो electron है वो क्या है? That is to be free, that is to be mobile. और metal की एक unit volume के अंदर कम से कम कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं? 10^23. इसका मतलब 10 एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कम से कम 10^3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और ये 10^23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू आउट द वॉल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल फ्री. इसका मतलब क्या कंसेप्ट है? मेटल के अंदर ओनली इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो किसकी वजह से है? ओनली ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू इट्स मोशन. लेकिन इसको अंदर रोकने वाला कोई नहीं है. इसका मतलब इसके अंदर सोमरफील्ड ने क्या ट्रीट किया? पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड ऑफ द मेटल इज टू बी जीरो एवरीवेयर, इज टू बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर, बट एट द बाउंड्री ऑफ द मेटल, बट एट द बाउंड्री, दिस बाउंड्री एंड दिस बाउंड्री, एट दिस बाउंड्री पोटेंशियल एनर्जी इज टू बी मैक्सिमम. मीन्स ये वाली बाउंड्री के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको क्या नहीं कर पा रहा? ओवरकम नहीं कर पा रहा. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो सफिशियंट नहीं है इस पोटेंशियल एनर्जी को ब्रेक करने के लिए. और हमने माना इस बाउंड्री के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर जो पोटेंशियल है वो कितना है? W. सो W इज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू द इलेक्ट्रॉन टू एस्केप आउट फ्रॉम द मेटालिक सरफेस. बट अकॉर्डिंग टू फर्मी, एट ए 0 degree टेम्परेचर इनसाइड ऑफ ए मेटल ए पर्टिकुलर लेवल इज टू बी एग्जिस्ट, एंड दैट लेवल डिवाइड्स फील्ड एनर्जी लेवल एंड अनफील्ड एनर्जी लेवल. मीन्स द लेवल विच डिवाइड ऑक्यूपाइड लेवल बाय द इलेक्ट्रॉन एंड अनऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल्स. मीन्स वो लेवल जो फील्ड और अनफील्ड लेवल को दो पार्ट में ब्रेक कर देगा, ऐसा फर्मी ने देखा था 0 degree टेम्परेचर के ऊपर. और फर्मी ने उस लेवल को क्या नाम दे दिया था? दैट इज कॉल्ड द फर्मी लेवल. और एनर्जी इस लेवल की जो कोरस्पॉन्डिंग आई थी, फर्मी ने उस एनर्जी को क्या नाम दे दिया था? दैट इज कॉल्ड द फर्मी एनर्जी. मीन 0 degree टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पास फर्मी एनर्जी है, लेकिन वो वाली एनर्जी अपने आप में क्या नहीं है? सफिशियंट नहीं है टू ओवरकम दैट पोटेंशियल, दैट इज टू बी W, दैट इज टू बी W. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी अपने आप में क्या नहीं है? सफिशियंट नहीं है. किसमें से? इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए मेटल की वॉल्यूम में से इमिट होने के लिए. और मेटल की हमने क्या कहा है? मेटल की एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर 10^23 एटम्स है. तो हम इस पूरे मेटल को एक साथ स्टडी नहीं करेंगे, हम इस मेटल की एक यूनिट वॉल्यूम को स्टडी करेंगे जिसके अंदर कम से कम 10^23 एटम्स है. इसका मतलब हम एक इस मेटल को यूनिट वॉल्यूम लेके चलेंगे और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इस मेटल के ऊपर,
और मेटल के अंदर जो फर्मी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास वो 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर है। अब हमें इस टेम्परेचर को इंक्रीज करना है और इलेक्ट्रॉन जो इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है उसके पास इतनी एनर्जी है, जो इस एनर्जी लेवल में उसके पास कितनी एनर्जी है, 0 एनर्जी है, समथिंग एनर्जी है, मीन जो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल के अंदर है उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें हम कि इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप आउट फ्रॉम दिस सरफेस पर इस एरिया में से, इस सरफेस के इस एरिया में से 1 सेकेंड में बाहर निकल जाए, कितनी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, उस टेम्परेचर के ऊपर जाकर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाए कि दैट एस्केप आउट फ्रॉम दैट मेटलिक सरफेस। इसका मतलब जब टेम्परेचर को तुम इंक्रीज करोगे तो इस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन तीनों सरफेस से इमिट नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ही फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ही फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड के ऊपर जाने के लिए कम से कम कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, 1/2 mv, मैं एक्स मान रहा हूं इस एक्सिस को, 1/2 mv² दैट इज टू बी ग्रेटर देन w चाहिए। इसका मतलब मैं ये एनर्जी दे दूं और ये एनर्जी कहां से दे दूं, इस टेम्परेचर को इंक्रीज करके दे दूं, तो इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप आउट फ्रॉम द मेटलिक सरफेस। इसके बाद इस टेम्परेचर को चाहे मैं कितना भी बढ़ाता रहूं, इस टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद मेरे को कितना इनफाइनाइट तक अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो भी इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे कैन बी एस्केप आउट काउंट कर लेंगे हम, लेकिन इस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट करेगा, इस सरफेस में से इमिट नहीं करेगा, तो इसकी लिमिट कितनी बन जाएगी, -∞ to ∞, कैन नॉट बी ब्रेक आउट, कैन नॉट बी इमिट आउट फ्रॉम दैट सरफेस कैन दैट सरफेस। मेरा एम सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप फ्रॉम दैट वॉल्यूम ऑफ द मेटल पर यूनिट एरिया पर सेकेंड व्हेन टेम्परेचर इज टू बी इंक्रीज, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी तो है, टोटल एनर्जी कितनी है, ये वाली एनर्जी है, मैं कितनी एनर्जी और दे दूं, ये वाला गैप यहां से लेकर ये वाली एनर्जी दे दूं, ये कितनी बचेगी, यहां से यहां तक W है, W में से अगर ये वाली घटा दूं तो ये बच जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये वाली एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितना वर्क करवाना पड़ेगा, इतना वर्क करवाना पड़ेगा, देन इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप आउट फ्रॉम द मेटलिक सरफेस। मीन्स द टेम्परेचर एट विच इलेक्ट्रॉन कैन इमिट आउट फ्रॉम द मेटलिक सरफेस दैट इज कॉल्ड द थर्मोआयनिक इमिशन। थर्मोआयनिक इमिशन मीन्स थर्मल, मीन्स व्हेन टेम्परेचर इज टू बी इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गेन मोर एंड मोर थर्मल काइनेटिक एनर्जी, इफ द थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज टू बी ग्रेटर देन दिस देन इलेक्ट्रॉन कैन इमिट आउट फ्रॉम द मेटलिक सरफेस ऑफ द मेटल। That is the basics of the Richardson's equation, that is the thermionic emission, and that is to be given by the Richardson. And that after taking that concept and Richardson find out how many electron can emit out per unit area per second on that volume of the metal. इसका मतलब हमारे पास एक concept है, और वो concept क्या है, इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम में से इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट करेगा, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। When temperature is to be increases, electron gain more and more thermal kinetic energy. Once a stage come, electron have a thermal kinetic energy greater than this, then electron can escape out from the metallic surface. And this process, this phenomena that is called the thermionic emission. That's all about the basics of the Richardson's. Now we come to the next part, that is a mathematical part. ये हमने इसका इंट्यूशंस को स्टडी किया है, और एक ओनली बेसिक्स इंट्यूशंस को स्टडी किया है। अब हम जो इसका मैथमेटिकल पार्ट्स को ड्राइव करेंगे वो इसके सेकंड पार्ट्स में ड्राइव करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट इसका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक यू।